वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग और मैं हूँ सुधा। तो फ्रेंड कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सब लोग ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये ब्लॉग अभी आफ्टर से स्टार्ट कर रही हूँ, बस जस्ट अभी स्कूल से आई हूँ और ड्रेस चेंज की है और मैंने कहा चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ क्योंकि सुबह तो टाइम मिलता नहीं है मुझे, बस दोपहर को ही टाइम मिलता है तो ज्यादातर ब्लॉग मेरे दोपहर से ही शुरू होते हैं। तो बने रहिए मेरे ब्लॉग में, देखते हैं क्या होने वाला है आज हमारे ब्लॉग में। अब आ गई हूँ मैं किचन में और ये मैं निकाल रही हूँ अपने लिए खाना। तो बच्चों के एग्ज़ाम चल रहे हैं, बच्चे जल्दी आ गए थे तो वो तो खाना वगैरह खा चुके हैं और मैं अभी आई हूँ तो बस अपने लिए खाना निकाल रही हूँ। बहुत तेज भूख लगी है, सुबह लंच लेके नहीं गई थी, कभी जल्दी जल्दी में कभी ले जाती हूँ कभी नहीं ले जाती हूँ। कई बार क्या होता है फ्रूट्स रख ले जाती हूँ, नाश्ता कर जाती हूँ और फ्रूट रख लेती हूँ तो वहां पे फ्रूट्स खा लेती हूँ। और सुबह बनाए थे मैंने आलू के पराठे तो आलू का पराठा खा के गई थी। बच्चे उधर उस रूम में आराम कर रहे हैं जब तक मैं ये वाला रूम सही कर लेती हूँ क्योंकि अभी सुबह ना स्कूल का टाइम चेंज हो गया है। पहले तो मैं 9:15 जाती थी, अब मुझे 8:15 पे जाना पड़ता है तो आधा घंटा टाइम पहले हो गया है। तो इस वजह से ना सुबह जल्दी उठो, कितना भी जल्दी उठो फिर भी नहीं हो पाता है तो बस फटाफट ये वाला रूम कर लेती हूँ क्योंकि मैंने ना कल कपड़े वॉश किए थे तो फोल्ड नहीं किए थे, कल रात को वॉश किए थे तो फिर वो सारे सुबह उठा के ऐसे बेड पे डाल गई थी तो फिर अभी इनको फोल्ड कर लेती हूँ। और सुबह झाड़ू लगाई थी, पोछा लगाने का टाइम नहीं था तो ये कारपेट भी ऐसे ही ऊपर बेड पे ही रख दिया था और ये टॉवल वगैरह तो खैर अभी मैं आई थी, हाथ मुंह धोए थे तो मैंने यहाँ पे रख दिया है। प्रेस वाले, मेरे कपड़े प्रेस होने का तो नंबर ही नहीं आता है, ये इन लोगों के कपड़े इतने सारे हो जाते हैं प्रेस करने के लिए कि मेरे कपड़े तो रह जाते हैं। अभी धूप इतनी तेज हो जाती है कि दोपहर में ना स्कूल से आने में हालत खराब हो जाती है, बहुत तेज धूप होने लग गई है। ये साड़ी भी होली वाले दिन पहनी थी तब से ऐसे ही पड़ी थी, कल रात को ही कपड़े वॉश किए हैं और कलर वाले जो भी कपड़े थे वो तो मैंने सब हटा दिए, जो ज्यादा बच्चों के कपड़े ज्यादा खराब हो गए थे कलर के वो तो मैंने हटाई दिए। और मेरी साड़ी में तो इतना कलर नहीं था क्योंकि मैंने गुलाल से खेला था तो फिर इतना ज्यादा नहीं था, मैंने अपनी साड़ी तो वॉश कर ली थी तो कलर निकल गया था। बाहर देखिए कितना तेज धूप है कि हॉल में भी धूप का असर दिख रहा है। और ये कुछ धोने वाले कपड़े हैं जो कि मैं मशीन में डाल रही हूँ, कपड़े फोल्ड हो चुके हैं मेरे, प्रेस वाले कपड़े अलग रख दिए हैं और जो डेली वाले कपड़े हैं वो यहाँ नीचे अलमीरा में लगा देती हूँ और बाकी साड़ी वगैरह तो मैं यहाँ नहीं रखती, वो अलग ही रखती हूँ। ये देखिए इनके एग्जाम चल रहे हैं तो ये अपना इधर इस रूम में बैठ के अपना पढ़ाई कर रहा है। घर सेट करने के बाद में मैंने झाड़ू लगाई और अब ये पोछा लगाने जा रही हूँ क्योंकि सुबह नहीं कर पाती हूँ तो फिर अभी आके करती हूँ। वैसे भी इस टाइम करती हूँ तो शाम को ट्यूशन वगैरह के बच्चे आते हैं, घर साफ सुथरा रहता है तो अच्छा लगता है। और फिर अभी मैं स्कूल से थोड़ा जल्दी भी आ गई थी इसलिए मैंने कहा पहले काम कर लेती हूँ उसके बाद आराम करूँगी, नहीं तो मोस्टली तो मैं आके खाना खा के आराम करती हूँ फिर बाद में काम करती हूँ, बट अभी एग्ज़ाम में थोड़ा जल्दी आ जाती हूँ तो फिर बस पोछा वगैरह कर लेती हूँ उसके बाद थोड़ा सा आराम कर लूँगी, फिर कहाँ आराम, ट्यूशन के बच्चे आ जाएंगे। अभी अभी ट्यूशन पढ़ा के उठी हूँ और ये देखिए एक कोरियर मंगाया था तो इन लोगों ने पूरा खोल दिया है। तो ये बोट के मैंने ईयरफोन मंगाए हैं क्योंकि रील्स वगैरह बनाती हूँ ना तो उसमें मुझे जरूरत पड़ती है, तो पहले जो मेरे पास थे वो वायर वाले थे, ये वायरलेस मंगाए हैं मैंने तो बस उसका ऑपरेशन हो रहा है, सब खोल खाल के देखा जा रहा है। पहले ये चार्ज होगा उसके बाद वो चार्ज होगा। नहीं देखो कैसे हैं, दिखा इसमें रख के छोड़ दो हो जाएगा। है कहाँ ईयरफोन, कहाँ है वो, ये वो कहाँ है, इसके अंदर है निकाल। ये मैंने बोट के ईयरफोन मंगाए हैं, आप देख सकते हैं बोट के हैं और ये मुझे 3000 के पड़े हैं। अब आ गई हूँ मैं किचन में और ये कर रही हूँ मैं खाने की तैयारी और ये मेरी बोतल में ऑयल ख़त्म हो गया था तो देखिए ये 5 लीटर का जो कैन है ये मम्मी के यहाँ से आया था तो उसी में से ऑयल इसमें ट्रांसफ़र कर रही हूँ। शाम के खाने की तैयारी कर रही हूँ तो ये मैंने देखिए कढ़ाई में ऑयल डाल दिया है और ये कटोरी में मैंने बेसन घोल के रखा है तो मैं आज बनाने वाली हूँ पकौड़ी की कढ़ी। तो ये मैंने इधर जग में बेसन घोल के रखा है, सारे मसाले वगैरह उसमें मिक्स कर दिए हैं और एक तरफ ये चढ़ा दे रही हूँ राइस, तो राइस इसमें पकते रहेंगे, उधर कढ़ी फ्राई कर दूँगी और फटाफट आटा लगा दूँगी क्योंकि ना ट्यूशन पढ़ाती हूँ काफ़ी टाइम हो जाता है, 6:30 का टाइम है बट 7:45 तक बच्चे जाते हैं, फिर पूजा वगैरह करो फिर खाने की तैयारी।
पूरा दिन मेरा इतना बिजी शेड्यूल है कि अपने लिए तो मुझे टाइम ही नहीं मिलता है, बस काम 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 ही रहता है। ओए चश्मिश, दूध पीना है? हाँ पीना है, और मम्मी दही जमा देना। दही जमा देना, 1.5 लीटर दूध कम पड़ जाता है। एग्जाम चल रहे हैं, पढ़ना ढना नहीं है, बस चेस खेलने बैठ जाते हैं ये सब लोग। देख लो, कान्हा जी को सुलाओ, 9:30 बज गए, चलो सुला रहा। दूध पी के ना यहाँ पे ये जो भी बुक्स वगैरह सब पड़े हैं सब उठाने, समझे? और ये चश्मा उतरेगा कि नहीं उतरेगा? नहीं उतरेगा, पहन के सोऊंगा। रात के 10 बज चुके हैं, बच्चों को दूध वगैरह दे दिया है, मैंने ले लिया है, और कभी कभार ना मुझे इतनी ज्यादा थकावट हो जाती है कि आज ना मैंने अपनी किचन साफ नहीं की, बर्तन वगैरह भी कुछ नहीं धुले, क्योंकि सुबह ये बोले मैं ऑफिस में खा लूंगा और हम लोगों की छुट्टी है, एग्जाम चल रहे हैं, तो एक दिन एग्जाम एक दिन छुट्टी, तो फिर इस वजह से मैंने किचन वगैरह छोड़ दी है। और अभी ना ट्यूशन के बच्चे बहुत सारे हो गए हैं, तो बस बहुत ज्यादा थकावट हो जाती है। फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके जाइए। मिलती हूँ एक और नए ब्लॉग में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट।